अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल नंबर 2 जुनून नंबर 4 आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जुनून नंबर 4 है, तो इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो जैसे करते हैं तो आ जाता है टिक द स्टेटमेंट यू एग्री विद, तो टिक करते हैं इस पर हम। तो बड़े ध्यान से आपने पहले लेसन को यूनिट को पढ़ लेने, ये कंटिन्यू जो अटेम्प्ट पे ओके किया तो ये भी काफ़ी लेंथी लेसन है, यूनिट है, तो ध्यान से करना इसे। तो ये मैंने पहले पढ़ के निशान लगाए हुए हैं और वीडियो ताकि शॉर्ट से चल रहे। तो ये पहला है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बिफोर एंड आफ्टर आर रीडिंग लेसन हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर। और सेकंड वाला है लर्नर नीड अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो थर्ड वाला है द प्री रीडिंग स्टेज कैन इंक्लूड अ डिस्कशन। तो सबमिट पे ओके किया तो सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 का जूनियर नंबर 4 चल रहा है। तो ये देखें जी, ग्रेडिंग 5 out of 5 है। मैं दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ। ये जी, योर आंसर इज़ करेक्ट। तो बैक एरो पे क्लिक करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में वीडियो बना सकूँ और सभी एक्टिविटी के आपको आंसर बता सकूं। तो बैक एरो पे फिर क्लिक किया। यूनिट 4 स्टार सेल्फ असेसमेंट। तो अपने बारे में देना है कि लेसन शुरू करने से पहले आप किस मुकाम पे थे और बाद में कहाँ। तो आंसर दी क्वेश्चन पे टिक करते हैं। तो इसमें कोई नहीं है, एक दो नंबर आप अपने आप को कम रख सकते हैं और लेसन जी। तो पहले आपने अपने आप को ग्रेड 5 बोल दिया, सेकंड वाले में 4 बोल दिया, थर्ड वाले में आपने 4 स्टेज पे बोल दिया, 5 वाले में भी आपने 5 पे कह दिया और 4 पे लिख दिया जी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबमिट करते हैं, यानी जून स्टार्ट होने जी। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट दिस। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया, बैक एरो पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट तो थर्ड वाली है व्हाई डू वी रीड। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू योर अटेम्प्ट। तो मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए पहले से ही कुछ एक्टिविटी पे टिक लगा लिए ताकि आसानी रहे और वीडियो शॉर्ट टाइम में बना सकूं। तो ये वाई डू वी रीड। तो पहला है रेसिपी, सेकंड वाले में न्यूज़ आर्टिकल, थर्ड वाले में ट्रेन टाइम टेबल, 4 वाले में फिल्म रिव्यू और 5 वाले में सोशल मीडिया। तो ये अच्छे से देख लेने, सबमिट करते हैं। तो ये 5 मार्क्स है, सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके किया। तो एक्टिविटी मुकम्मल करने के लिए पहले आपको लेसन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जी। 5 out of 5। तो ये दोबारा से रिव्यू कर लें। तो पहले में रेसिपी, दूसरे में न्यूज़पेपर आर्टिकल, तीसरे में ट्रेन टाइम टेबल, थर्ड 4th वाले में फिल्म रिव्यू और 5 वाले में सोशल मीडिया। योर आंसर इज करेक्ट। तो बैक एरो पे क्लिक किया, दोबारा से पे करने, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये एक्टिविटी नंबर 4 है, अब इसको मुकम्मल करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया,
बड़े ध्यान से एक्टिविटी को मुकम्मल करना है। आसान लेकिन लेसन ये वाला यूनिट जो है काफ़ी लेंथी है। तो ये देखें जी, ड्रैग एंड ड्रॉप में पहले में रोश क्रॉसिटी एंड लर्नर्स, सेकंड वाले एक्टिवेट लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, फोर वाले मेक इट पॉसिबल फॉर लर्नर्स, फोर वाले में है क्रिएट अ लिंक बिटवीन द क्लासरूम टास्क एंड द एप्लीकेशन। तो ये दोबारा फिर देख लें, रोश क्रॉसिटी, सेकंड वाले में एक्टिवेट लर्नर्स, थर्ड वाले में मेक इट पॉसिबल फॉर लर्नर्स और फोर वाले में क्रिएट अ लिंक बिटवीन द क्लास टास्क। तो सबमिट करते हैं ये जी, सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी है। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 4 है। तो ये देखें जी, 4 out of 4 मार्क्स हैं। तो इस को दोबारा रिव्यू कर लें जी, योर आंसर इज़ करेक्ट जी। तो बैक एरो पे क्लिक करते हैं। और आप लोग को उनसे गुजारिश है कि अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जी। तो ये PDF है, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है, डाउनलोड करना है बस जी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट फिर एक्टिविटी, ये 5 नंबर पे भी एक्टिविटी है, इसे कंप्लीट करना है। इसका नाम ही एक्टिविटी है। कंटिन्यू योर पे क्लिक किया तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह पीछे यानी माशाल्लाह अच्छा यूनिट होता जा रहा है। तो जी तो आगे है जी, पहले नंबर पे है जूस दी बोर्ड, थर्ड पर है वॉक, सेकंड में वॉक अराउंड एंड शो दी पेज, और थर्ड में है लर्नर्स कवर दी टेक्स्ट। तो सबमिट करते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। तो यूनिट को कंप्लीट करते हुए रिलैक्स रहना है जी। ये देखें जी, 3 out of 3 है, योर आंसर इज़ करेक्ट। तो आप लोगों ने अच्छे से एक दफ़ा लेसन को पढ़ लेना है और आसानी से जी वाला यूनिट भी हो जाएगा। तो बैक एरो पे क्लिक करते हैं। टफ नहीं है लेकिन लेंथी है, टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे ओके किया जी। ये फिर PDF है, इसे आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर एक्टिविटी नंबर है जी 6, तो इसका नेम भी एक्टिविटी है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो 6 वाली अब हम एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे ये साथ साथ बता रहा हूँ ताकि अगर कोई रह जाए तो करनी आसान हो जाती जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रीडिंग फॉर गेस्ट आएगा। सेकंड वाले में आएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट्स। थर्ड वाले में आएगा स्कैनिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल और प्लेस। और क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा फाइंडिंग द ऑथर्स ओपिनियन। तो सबमिट करते हैं जी, सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा जी, 4 out of 4। तो रिव्यू कर लें जी, योर आंसर इज़ करेक्ट फर्स्ट वाला, सेकंड वाला योर आंसर इज़ करेक्ट, और थर्ड वाला योर आंसर इज़ करेक्ट, फोर वाला योर आंसर इज़ करेक्ट। बैक एरो पे क्लिक किया, दोबारा सफेद करते हैं जी। नेक्स्ट पे क्लिक किया, टिक ऑल डैट अप्लाई। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 7 है। आंसर पे क्लिक किया जी, तो पहले हम देखते हैं सिट एंड वेट। तो ये मेरे इधर थर्ड नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपने अच्छे से ध्यान से देख लेना है।
ये है जी, आस्क फर्स्ट फिनिशर टू हेल्प स्टूडेंट्स हु हैव नॉट फिनिश्ड येट। तो थर्ड वाले हैं जी, लास्ट वाली है, सेट एन एक्सटेंशन एक्टिविटी रिलेटेड टू दी टॉस फॉर फर्स्ट फिश जी। तो ये तीन पे हमने टिक की है, सबमिट करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 7 चल रही है। तो कंटिन्यू पे क्लिक किए जी, जो है वो ऑलरेडी कम्प्लीट दिस एक्टिविटी, तो इसने ओके कर दिया जी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बैक एरो पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक ऑल दी स्टेटमेंट यू एग्री विद। तो ये भी आपने अपनी मर्ज़ी से टिक करनी है। ये पहले मैंने कर दिए कंप्लीट, तो मैंने सभी पे ओके कर दिया था। तो नेक्स्ट पे ओके करता हूँ जी। तो ये भी पीडीएफ है, तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक द स्टेटमेंट यू एग्री विद। तो ये अभी सॉल्व होने वाली है। आंसर फिर टिक किया, ये जल भी तीन, तो ये तीनों को मैं फिल कर देता हूँ। तो ये देख लेना अच्छे से। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 9 चल रही है जी। ऑल आंसर आर एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल हैं जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो बैक एरो पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये पीडीएफ आ गया। आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। तो ये नंबर 10 पे भी एक्टिविटी नेम से ही उसने एक्टिविटी दी हुई है। तो देखते हैं क्या आता है जी। कंटिन्यू, काफ़ी हद तक हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है जी। तो ये नंबर 10 पे जो एक्टिविटी है, पहले नंबर पे है जी शेयरिंग आइडियाज़, नंबर 2 पे है न्यू वर्ड्स फ्रॉम दी कंटेक्स्ट, नंबर 3 पे है इंक्वायरी, नंबर 4 पे मेकिंग कनेक्शन। सबमिट करते हैं। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर वीडियो बना सकूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना शेयर करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखें जी 4 out of 4, तो ये अच्छे से देख लें। जो आंसर इज करेक्ट, पहले नंबर पर है शेयरिंग आइडिया, नंबर 2 पे है न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, नंबर 3 पे इंक्वायरी, नंबर 4 पे मेकिंग कनेक्शन। बैक एरो पे क्लिक किया, तो फिर बैक एरो पे क्लिक करते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला है जी यूनिट 4 एंड सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट। तो इसमें आपने यूनिट पढ़ने के बाद अपने आप को फुल मार्क्स से दे लेने हैं कि पढ़ने के बाद आप काफ़ी बेहतर हो चुके हैं पहले की नज़र। तो पहले में जब सेल्फ असेसमेंट, उसमें कहीं 4 और कहीं आपने 5 अपने आप को दिए थे। ये देखें जी 5, तो ये आपने आपको हाईएस्ट मार्क्स दे रहे हैं खुद ही यूनिट पढ़ने के बाद। सबमिट करते हैं। तो ये सेल्फ असेसमेंट एंड वाली है जिसमें आपने मुकम्मल किया। तो यो है ऑलरेडी कम्प्लीट दी एक्टिविटी, कंटिन्यू पे क्लिक किया, बैक एरो पे क्लिक किया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं क्या आगे कुछ रहता है जी। ये यूनिट नंबर 4 आ गया, तो लिहाजा इधर ही मैं अपनी
वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर देखने के लिए ही यूनिट फोर यानी आंसर का पार्ट ही देखने के लिए वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं अलहदा से बना देता हूँ ताकि आप आसानी से वही वाला हिस्सा देख सकें। तो इधर तक मैंने वीडियो को कंप्लीट किया, अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे टिक करना। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।